शाबाश। हाँ तो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? होपफुली सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों आ चुके हैं एक और न्यूज सोलो वन कर रैंक पुशिंग वाली वीडियो में। अब दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ क्राउन टू टीयर पे। आप कौन से टीयर पे पहुंच गए कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बताइएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। तो भाई मैं उतर चुका था यहाँ पे इवेंट पे, और इवेंट पे उतरते के साथ ही अपनी बन चुकी थी पेटी, और पेटी बनने के बाद में दोस्तों अपन उतर जाते हैं यहाँ पे जॉर्जो सिटी। अब यहाँ पे मिल जाते हैं अपने को प्यारे बॉर्ड भैया। तो बॉर्ड भैया से अपन थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, और इन भाई को पेलने के बाद में, अब ये जो आपको जूते वाला घर दिख रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप आके भाई अच्छी खासी अपनी लूट कर सकते हो, और आपका अच्छा खासा मतलब टाइम पास भी होता रहेगा। आप अगर आपके पास में लूट वगैरह नहीं है तो भाई ये जूते ओपन करके आप जो है भाई सेंटा क्लॉज से अच्छे खासे गिफ्ट भी ले सकते हो। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई गिफ्ट भी अच्छे खासे आ चुके हैं यहाँ पे, भाई काफ़ी ज़्यादा कॉइन भी आ चुके हैं, स्कोप वगैरह, गन वगैरह, और भाई यहाँ पे अपने को एक हेलमेट भी मिल जाता है। अब सामने की तरफ यहाँ पे एक और बॉर्ड भैया मिल जाते हैं अपने प्यारे, तो यहाँ पे बॉर्ड भैया का आशीर्वाद लेके निकल पड़ते हैं अपन और बंदे ढूंढने के लिए, मतलब भाई अच्छा खासा सर्वाइव करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, अब मैं सर्कल के अंदर यहाँ पे थर्ड सर्कल तक बिताता हूँ, और जैसे ही थर्ड सर्कल का जोन बनता है उसके बाद में अपन जोन में रोटेशन देंगे, क्योंकि भाई अपन हर गेम में अर्ली ही मर जा रहे हैं। भाई मैं अभी तक मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा मैंने टॉप 10 सर्वाइव नहीं किया है, क्योंकि भाई मैं हर बार फाइट लेने के लिए उतर रहा था, तो उस वजह से मेरी केडी और भाई गेम प्ले के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है, मतलब भाई मैं काफ़ी ज़्यादा रैंक में पीछे चल रहा हूँ अभी। अब यहाँ से भाई अपन अपनी अच्छी खासी स्ट्रेटजी लगाएंगे आज से, तो आज के दिन पर अपन ट्राई करेंगे कि भाई क्राउन 1 कर लेवे, जैसे कि मतलब मेरे को कल माइनस खा के यहाँ पर क्राउन 3 वापस से पहुँच गया था मैं। अब दोस्तों मैं आ जाता हूँ इस लोकेशन पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं नीचे की साइड में जो शेक है यहाँ पे एक बंदा होल्ड कर रहा होता है अपनी पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे ऊपर की साइड में गाड़ी लगाता हूँ और निकल पड़ता हूँ उस बंदे के ऊपर एंगल लेने के लिए। अब मैं उस भाई के ऊपर यहाँ पे पूरा एंगल लेके बैठा हुआ था, जैसे सर्कल स्टार्ट होगा तो वैसे ही यहाँ पे भाई निकलेगा, और होता भी ऐसा ही है। अब भाई को दोस्तों अपन ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था, लेकिन यहाँ पे बीआरडीएम वाले बंदे की वजह से मैं यहाँ पे स्प्रे छोड़ के आ जाता हूँ पीछे की तरफ। और जैसे ही आपकी बार भाई अपने का स्पॉट होते हैं, तो यहाँ पे भाई को अभी फिनिश कर देते हैं अपन इजीली। अब यहाँ पे भाई को फिनिश करने के बाद मैं अपने को निकलना था सर्कल में, क्योंकि सर्कल भी आगे की तरफ शिफ्ट हो गया था, तो मैं यहाँ पे भाई ट्राई करता हूँ जब जाके मतलब लास्ट का सर्कल, मतलब भाई 10-20 सेकंड बाकी रहेंगे, उसके बाद ही अपन यहाँ पे सर्कल में एंट्री लेंगे। अब मेरे को उतने में ही राइट की साइड से साउंड आता है फायर का, अब उतने में ही दोस्तों मेरे को ये बग्गी वाले भैया स्पॉट होते, तो इन भाई साहब को अपन अच्छा खासा डैमेज दे देते हैं। अब एक और बंदा स्पॉट होता मेरे को बग्गी में, लेकिन उसको तो अपन ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे एंगल मिला नहीं। अगर एंगल मिलता ना दोस्तों, शायद से अपन भाई को स्प्रे में गिरा भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे अपन भाई सबसे पहले तो अभी कवर बनाते हैं, और कवर बनाने के बाद में दोस्तों देखो किस तरीके की अपन यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगाएंगे अभी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, अपनी गाड़ी लगाता हूँ वहाँ पे कवर में, ताकि बंदे लोगों को लगे कि पत्थर के पीछे बंदा है, लेकिन भाई मैं गाड़ी छोड़ के पीछे की तरफ आ जाता हूँ, ताकि कोई भी बंदा मेरी गाड़ी के ऊपर नेट वगैरह डाले उस बंदे को कंफर्म हो नहीं। और ये स्ट्रेटजी दोस्तों अपनी काम भी कर जाती है। अब इस बंदे को लगता है मेरी गाड़ी की साइड में बंदा है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि पीछे की साइड में बंदा आ चुका है, तो यहाँ पर ईजिली फिनिश कर देते अभी।
अब जैसे मैं यहाँ पे बंदे की लोकेशन कंफर्म करने के लिए जाता हूँ, वैसे ही भाई बंदा अपने ऊपर लेता है यहाँ पे खतरनाक स्प्रे और उससे अपनी हो जाती है भाई 1 HP। अब मैं यहाँ पे जैसे हीलिंग कर रहा होता हूँ उतने में दोनों बंदे की फाइट हो जाती है आपस में और एक बंदा दूसरे बंदे को फिनिश कर चुका था। अब बारी थी अपनी यहाँ पे। अब मैं सबसे पहले तो भाई आगे की साइड में कवर बना लेता हूँ ताकि वो बंदा अगर स्प्रे ले तो अपने ऊपर लगे नहीं और इसी का अपने को फ़ायदा भी मिल जाता है। यहाँ पे अपने को भाई चिकन डिनर मिल जाता है इजीली। अब बढ़ते हैं अपने दोस्तों सेकंड गेम प्ले की तरफ। अब अपन आ चुके थे दोस्तों स्कूल अपार्टमेंट की तरफ और यहाँ पे आने के बाद मैं सामने की तरफ मुझे भाई एक बॉट स्पॉट हुआ था, लेकिन ये AKM वाला बंदा भाई दोनों बॉटों को फिनिश कर देता। वहाँ पे दो दो बॉट आ चुके थे। अब भाई यहाँ पे एक भी बॉट मिला नहीं तो अब गुस्सा तो था, तो ये गुस्सा अब भाई के ऊपर उतर चुका था। यहाँ पे भाई को अपन इजीली स्प्रे देके फिनिश कर देते। अब भाई को फिनिश करने के बाद मैं अपन यहाँ पे अच्छी खासी लूट कर लेते सबसे पहले तो। अब अपने को प्यारे प्यारे बॉट भैया भी मिल गए थे यहाँ पे, अपने को प्यारा वाला किल देने आ चुके थे, तो यहाँ पे बॉट भैया को फिनिश कर देते अपन। अब अपन क्या करते दोस्तों यहाँ पे ही अच्छी खासी लूट कंप्लीट करते रहते अपनी। अब उतने में ही होता ऐसा है कि भाई यहाँ पे मेरे को आता है गाड़ी का साउंड और गाड़ी वाला बंदा भी भाई अपने ऊपर ही यहाँ पे पुश करने के लिए आता है। तो दोस्तों अब उस भाई से फाइट देखो किस तरीके से लेते अपन। अब अपने हाथ में रहती है भाई स्कारल और मुझे पता था बंदा जैसे उतरेगा वैसे भाई को यहाँ पे फाइट लेनी पड़ेगी और अपने को भी फाइट लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भाई को इजीली फिनिश कर देते। मेरे को यहाँ पे DBS खोलनी चाहिए थी लेकिन भाई जाने तो अपन ने स्कारल से ही भर दिया भाई को। अब स्कारल से भरने के बाद मैं सबसे पहले तो भाई अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ता हूँ यहाँ से सर्कल की तरफ, क्योंकि 4 सर्कल का सर्कल बनने वाला था और मैं आ जाता हूँ ये स्क्वाड हाउस होल्ड करने के लिए। अब दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर से बताना कि भाई आप लोगों को ज़्यादा वॉइस वगैरह आ रही है क्या, मतलब नॉइस वगैरह आ रही है क्या, जैसे कि मैं मतलब भाई जॉब पे ही बैठ के वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। और यहाँ का जो गार्डन है मैं वहाँ पे जाके भाई गार्डन के अंदर जाके वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ अभी, तो भाई आप लोगों को अगर नॉइज़ वगैरह ज़्यादा आ रही हो तो मेरे को एक बार ज़रूर से बताना ताकि जो है भाई मैं भाई घर पे जाके मतलब अच्छे से बैठ के वीडियोस वगैरह बना सकूँ। अगर आप लोगों को लगे कि सही है मेरे को टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों अच्छा खासा अगर मैं जॉब पर ही वॉइस ओवर कर लेता हूँ तो आप लोग एक बार ज़रूर से बताइएगा ये चीज़ को। अब सामने की तरफ दोस्तों आ चुके थे यहाँ पे एक बंदा, तो यहाँ पे मैं उस बंदे के उधर ट्राई करता हूँ मॉली वगैरह नेड वगैरह, लेकिन उससे इतना कुछ खास फ़र्क पड़ता है नहीं। अब जब इतना कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं तो मैं आ जाता हूँ पीछे की तरफ और वो बंदा यहाँ पे भाई पुश कर देता है अभी। अब भाई के पास में रहती है यहाँ पे भाई MK14 और यहाँ पे भाई खतरनाक डैमेज दे देता अपने को और बंदा पुश भी कर देता अभी फाइट देखो बस यहाँ पे। और जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे भाई के साउंड मतलब भाई रिलोडिंग का साउंड सुनता हूँ ना, तुरंत ही यहाँ पे भाई के ऊपर पुश कर देता हूँ और भाई को इजीली फिनिश कर देते दोस्तों। अब भाई को फिनिश करता हूँ उतने में ही सामने की तरफ जो ये बंदा है मतलब वॉच टावर वाला भाई, मैं यहाँ पे हीलिंग करने के लिए आता हूँ, वो बंदा मेरे ऊपर स्प्रे लेता है यहाँ से। अब बारी थी भाई भाई को यहाँ पे मज़ा चखाने की, तो अब मैं आ जाता हूँ सबसे पहले तो भाई की पेटी लूटने के लिए यहाँ पे और पेटी के अंदर मिल जाता है अपने को भाई 6x अपना प्यारा स्कोप। तो अब अपना प्यारा स्कोप मिल चुका था तो प्यारा स्प्रे भी दिखाना था।
और जैसे यहाँ पे भाई अपना प्यारा सा माथा दिखाते हैं, यहाँ पे पिकलेट के साथ ही भाई को पिकाचू बना देते हैं अपन। अब ये स्प्रे दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अब सर्कल आगे की तरफ शिफ्ट हो गया था तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों देखो मैं कितनी बड़ी गलती करता हूँ। अब जैसे कि मेरे को भाई की पेटी में यहाँ पे भाई फ्लेयर गन मिल चुकी थी, तो मेरे को पहली भाई फ्लेयर कर देनी चाहिए थी, लेकिन भाई मैं यहाँ पे स्प्रे देने में इतना मगन हो गया था, मतलब मेरे को पता ही नहीं चला क्या से क्या हो गया यहाँ पे, वक्त जज्बात ज़िंदगी दोनों ही पलट गई अपनी यहाँ पे। अब BRDM जो है वो भाई आने से रहा, क्योंकि सर्कल स्टार्ट हो चुका है और खाली 32 सेकेंड ही बचे। अगर मैं सर्कल में रुक गया तो दोस्तों इजीली मेरी पेटी बन जाएगी, तो यहाँ पे BRDM को छोड़ के मैं निकल पड़ता हूँ आगे की तरफ, और यहाँ पे गलती देखो कितनी बड़ी करूँगा अभी। अब कॉल भी इसी टाइम पे आया है, और भाई पीछे मतलब गाड़ी भी इतनी गंदी गलत तरीके से ठुकी है, तो मैं यहाँ पे भाई पीछे की तरफ मेरे को रिफ्लेक्स देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अपनी पेटी बन चुकी थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना।